हेलो स्टूडेंट्स, सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में चर्चा हम कर रहे थे, तो वहाँ पर आपने हार्ट की स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन समझ लिया जो मेन था। अब इसी से रिलेटेड कुछ और भी टर्म रह गए हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, और आपके एनसीईआरटी बुक के सीक्वेंस में इसके बाद द ट्यूब्स, ब्लड वेसल, मेंटेनेंस बाई प्लेटलेट एंड लिम्फ, ये जो एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन है उससे रिलेटेड ये बातें रह गई। इसको हम पूरी तरीके से बहुत कम समय में बताने का प्रयास करते हैं। इसको ध्यान से देखें, कोई कठिनाई नहीं है। ब्लड प्रेशर बताए इसके पहले ये बात आपको जानते रहना चाहिए कि कोई भी फ्लूड अगर किसी पाइप से होके फ्लो होता है, कोई भी फ्लूड हो, सपोज वो पानी हो, दूध हो, तेल हो, अगर ये इस पाइप से फ्लो हो रहा है तो ये मान के चलिए इसकी दीवार पर एक प्रेशर होता है। ये फ्लूइड एक प्रेशर क्रिएट करता है दीवार पर। किसी फ्लूइड के थ्रू पाइप, अपनी पाइप में जिससे फ्लो हो रहा होगा उस पर एक प्रेशर क्रिएट करता है। सिमिलरली ब्लड आल्सो एग्जर्ट द प्रेशर ऑन द ब्लड वेसल थ्रू विच इट फ्लोज। जैसे कोई फ्लूड करता है वैसे ब्लड भी, सपोज कीजिए इसको हम मान लेते हैं थोड़े समय के लिए ये ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल है इससे ब्लड फ्लो कर रहा है, चाहे आर्टरी है, चाहे वेन है, चाहे कैपिलरी, ये तीन टाइप की ब्लड वेसल होती हैं, तो इसका भी दीवार पर एक प्रेशर होगा। तो ये जो प्रेशर होता है वो आर्टरी में भी हो सकता है, वेन में भी हो सकता है, कैपिलरी में भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो कंसर्न है, जो मेन इम्पॉर्टेंट है प्रेशर, वो आर्टरी का है, और इसी को इजीली हम मेजर भी कर सकते हैं। जैसे आर्टरी और वेन की पोजीशन भी देखें और उसके बेस पर भी, कैपिलरी तो अंदर है, सेल्स के क्लोजर कांटेक्ट में है, और दूसरे आर्टरी का प्रेशर ही, चूँकि हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो सीधे आर्टरी में करता है, तो हार्ट की पोजीशन उसकी फंक्शनिंग का भी गेस लग जाता है। इसलिए ये प्रेशर होता तो हर ब्लड वेसल में है, लेकिन मतलब क्या होता है, जनरली जब यूज किया जाता है वर्ड ब्लड प्रेशर, तो ये होता है प्रेशर ऑफ ब्लड इन द आर्टरी। तो सिंपली आइए इस कहानी को समझ गए, तो कैसे कह सकते हैं ब्लड प्रेशर क्या है, किस प्रेशर को जनरली हम ब्लड प्रेशर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ब्लड ऑन द आर्टेरियल वॉल इज नोन एज ब्लड प्रेशर। को दिक्कत, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ब्लड ऑन द आर्टेरियल वॉल इज नोन एज ब्लड प्रेशर, या ऐसा कह सकते हैं आर्टरी की वॉल पर, यह आर्टरी है तो इसकी वॉल पर इसमें फ्लो करता हुआ ब्लड जो प्रेशर क्रिएट करेगा, उस प्रेशर को ही हम ब्लड प्रेशर या बीपी के फॉर्म में जानते रहते हैं। अब बात यह है कि जो ब्लड प्रेशर है ये कितना जनरली होता है, तो ये एक एडल्ट पर्सन में, एक एडल्ट कॉमन हेल्दी पर्सन में इसको हम बताते हैं 120 एमएम ऑफ एचजी और 80 एमएम ऑफ एचजी। अब बात यह होती है, कभी कभी आम लोग भी जानते हैं, इंटरनल चीज नहीं समझते हैं, वो कहते हैं ऊपर वाला नीचे वाला, कहें बीपी जरा नपा लीजिए, बीपी नपा के चले आए, कहें कितना है, बड़ा तो नहीं, इतने चीज जानते हैं बड़ा है कि घटा है, नहीं कहते ऊपर वाला कितना नीचे वाला। जब भी शायद घर में भी आपके कोई होगा या आस पड़ोस से जानते होंगे बीपी बढ़ गई है या घट गई है, तो होता क्या है, अगर मेजरमेंट होता तो बताते हैं ऊपर वाला और नीचे वाला। ये ऊपर और नीचे की बात क्या है, इसको आप हार्ट के स्ट्रक्चर से जानिए, हर जगह से ब्लड आता है फिर हार्ट से हर जगह जाता है, तय है। लेकिन ये जो ब्लड का प्रेशर आर्टरी में है उसको अगर हम कंपेयर करें तो ये एक सा नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, आपने कहा था ये पहले ही, ये एट्रियम में ब्लड आया, वेंट्रिकल में आया, फिर वेंट्रिकल से पंप किया जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट में जाने के लिए, ये एओर्टा में चला गया, एओर्टा से फिर राइट जाएगा, लेफ्ट, ये राइट साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, अपर साइड में जाएगा, ये ब्लड जाता है और ये ब्लड जा करके डिफरेंट आर्टरी में पहुँचता है। तो जब ये वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसको आप सिस्टोल भी कह चुके हैं,
वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है या ऐसे कह लीजिए हार्ट में, वो कॉन्ट्रैक्शन जिससे ब्लड बाहर पंप किया जाता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड पंप किया जाएगा, ये रिलैक्स होगा, कंटिन्यू होता रहता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा हार्ट या स्पेशली वेंट्रिकल तो ब्लड पंप किया जाएगा, उस समय आर्टरी में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा। जब ये रिलैक्स होगा यानी जब ये प्रेशर नहीं लगा रहा है, ब्लड को पंप नहीं कर रहा है, उस समय इसमें प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे पंप किया गया फिर थोड़ी देर बाद रुक गया, फिर किया गया रुक रुक के, इसीलिए आर्टरी में ब्लड का फ्लो भी जो होता है वो रुक रुक के होता है। और कभी कभी इसको फील भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ गले के पास हाथ रखें या यहाँ पर हाथ रखें तो आपको लगता है जो ब्लड वेसल है ये आर्टरी है, उसमें रुक रुक के, या कभी कभी इसको पल्स भी कहते हैं, नाड़ी भी कहते हैं, चल रही है। तो ब्लड वेसल क्यों चलती है? क्योंकि उसमें ब्लड एक बार ज़्यादा गया फिर कम, ऐसे रुक रुक के चलता है। तो जब प्रेशर बढ़ता है थोड़ा सा फूल जाती है आर्टरी, फिर प्रेशर कम हुआ नीचे आई, ये जिस तरीके से ऊपर नीचे आर्टरी करती रहती है। और एक मिनट में जनरली 72 टाइम हार्ट से ब्लड आर्टरी में पंप किया जाता है। तो ये 72 टाइम फील कर सकते हैं, फिलहाल हम उसकी गहराई में नहीं जाते हैं, ये बैरी करता रहता है। हम तो बता रहे हैं एक एडल्ट में, हेल्दी पर्सन में 72 टाइम होता है, जबकि एज के अकॉर्डिंग या हेल्थ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बैरी भी करता है। जैसे ये बच्चों में 120 टाइम्स होता है, जो न्यूनेट्स होते हैं, नवजात शिशु जो कहते हैं, और एडल्ट में बता दिया 72 है। एज बढ़ने के साथ एजिंग में, या जो बुज़ुर्ग हमारे यहाँ के हैं उनमें 60 ही होता है। तो ये एज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बॉडी की कंडीशन का बदलता रहता है, लेकिन जनरली हम मानते हैं 72 टाइम। कभी कभी आप देखते होंगे डॉक्टर ये हाथ पकड़ लेते हैं, आप अपना हाथ यहाँ पर पकड़ कर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक धड़कन महसूस होगी। वो धड़कन क्या है? हार्ट के धड़कन के नंबर को यहाँ आर्टरी में भी फील कर सकते हैं। अब चलिए, वो तो दूसरी बात हो गई, प्रैक्टिकल है, बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है इसमें ये भी चीज़ें जाननी चाहिए, जीवन से जुड़ी हैं। लेकिन सीधे आते हैं जो आपको जानना है, कि अब ये जो आर्टरी में ब्लड का प्रेशर है वो कितना होता है, इसको मेजर करने के लिए जनरली कभी कभी पूछा जाता है कि नेम द गैजेट व्हिच यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर, किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, तो इसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर इज द डिवाइस आर गैजेट आर इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर। अब इसमें होता क्या है, अब आपको बताएं, हम कुछ कहें इससे पहले आप डायरेक्ट उस पॉइंट तक पहुंच जाएं। कभी डॉक्टर के यहाँ गए होंगे तो डॉक्टर बीपी जानने के लिए जनरली क्या करता है, एक पट्टा लपेटता है फिर उसमें हवा भरता है, इस डिवाइस आपने देखा होगा, उसी को हम कहना चाह रहे हैं, वही स्फिग्मोमैनोमीटर है। अब उसमें होता क्या है, इस स्फिग्मोमैनोमीटर में एक पट्टा लगा रहता है, इसमें एयर भरते हैं, एयर बैग्स होती है, वो इस हाथ पर लपेटते हैं और एयर भी प्रेस करते हैं। साथ साथ वहाँ पर एक चीज़ और देखे होंगे, उसमें एक ट्यूब भी रहती है जो मेजरमेंट में हेल्प करती है, और इस पर ऐसे जैसे आपके स्केल पर नंबर बने हैं ऐसे यहाँ मिलीमीटर और सेंटीमीटर के निशान बने हैं। मीन्स ये ट्यूब जो होती है ग्रेजुएटेड होती है, और इसमें ऑलरेडी भरा रहता है, ये मरकरी भरा है, मरकरी या पारा भरा है। तो ये जो मरकरी है, ये जो प्रेशर होता है पर्सन का, पेशेंट का, उसके अकॉर्डिंग प्रेशर बढ़ने से ये जो मरकरी है इस ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब में ऊपर ये मूव करता है, ये प्रोटेक्टेड रहती है डिवाइस, ये ऊपर जाएगा मरकरी। तो ये मरकरी कितना ऊपर चढ़ जाएगा ये डिपेंड करेगा कितना प्रेशर है, प्रेशर के अकॉर्डिंग ये ऊपर जाता है। तो इसी को देख करके डॉक्टर साहब बता देते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना है। तो ये जो ब्लड प्रेशर आता है, हमने पहले कह दिया दो टाइप का है, एक तो जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस कॉन्ट्रैक्शन को बायोलॉजिकली हम सिस्टोल भी कहते हैं, और जब ये रिलैक्स हो जाता है यानी फैल जाता है तो हम कहते हैं ये डायस्टोल फेज में है। यानी दो प्रोसेस होते रहे, सिस्टोलिक कंडीशन ऑफ वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक। तो जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिस्टोल होगा, उस समय आर्टरी में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है, और जब ये डायस्टोलिक स्टेज में होता है
तो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये यहाँ पर आते हैं, ये दो कंडीशन हो गई, एक तो हो गया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 में बीपी लिख दे रहे हैं, और एक हो गया डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो कह रहे हैं, सिस्टोल के समय ये वेंट्रिकल है, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो आर्टरी में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, जब ये रिलैक्स हुआ बाहर की ओर आ गया, यानी इसका प्रेशर ब्लड पर कम हो गया वेंट्रिकल का, तो आर्टरीज में भी प्रेशर कम हो जाएगा, उसी को कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये जो प्रेशर होता है, जिसको अभी हमने कहा था थोड़ा पहले, आम लोग कहते हैं ऊपर वाला नीचे वाला, इसी को आप कह लीजिए, एक ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली, एक कम होता है। तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ये होता है 120 mm ऑफ एच जी क्यों करें, मरकरी के लिए, यानी सिस्टोलिक प्रेशर को मेजर करेंगे तो इस फिगमो मैनोमीटर में जो मरकरी है वो 120 mm की हाइट तक पहुंच जाएगा। ऐसे डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है, ये होता है 80 mm ऑफ HG, ये प्रेशर हो गया। तो ये हो गया सिस्टोलिक प्रेशर। ये जब भी कहा जाता है कि बीपी कितनी है, तो बीपी का मतलब जनरली बताएंगे दो नंबर बताना है, दो प्रेशर बताना है, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक ज़्यादा रहेगा, डायस्टोलिक कम रहेगा, और जनरली साल्ट में लिखने के लिए क्या कर देते हैं, दो नंबर डॉक्टर लिखते हैं, ये आप लिखिए, एक ज़्यादा वाला होगा कम, जो ज़्यादा लिखा है जान लीजिए, तो वही हो गया सिस्टोलिक, जो कम वाला नंबर लिखा गया हो गया डायस्टोलिक। तो ये प्रेशर हो गया सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। लेकिन हमने कहा था हेल्दी पर्सन में कभी कभी ये थोड़ा सा डेविएट कर जाता है, और ये प्रॉब्लम है उस कंडीशन में, अगर ये जो नॉर्मली होना चाहिए अगर उससे घट जाए या बढ़ जाए, तो इसे हम कहते हैं डिसऑर्डर, यानी बीपी में डिसऑर्डर हो गया, ये नॉर्मल नहीं है। तो नॉर्मल नहीं होगी तो क्या होगी भाई, जो होना चाहिए या तो उससे ज़्यादा होगा या तो उससे कम होगा। अगर नॉर्मल है सही है, ही होना भी चाहिए, अगर ज़्यादा हो गया तब इसे कहते हैं हाई बीपी और हाई ब्लड प्रेशर, जिसको जनरली इस नाम से भी जानते हैं, हाइपरटेंशन भी कहते हैं। तो एक तो हो गया हाई बीपी या हाइपरटेंशन, और एक हो गया कहते हैं लो बीपी। कभी कभी समाज में भी कहते हैं अरे भाई इनकी हाई बीपी है, बीपी जल्दी हाई हो जाती है, एक हो गया लो बीपी। तो ये हाई और लो क्या है, समझ गए, जब इस जो नॉर्मली है उससे बढ़ जाए या घट जाए, बढ़ गया तो हाई बीपी और हाइपरटेंशन, कम हो गया तो लो बीपी। अब ये कितना हो जाए, जैसे हम कह रहे हैं 120 है, तो 120 का मतलब 121 हो गया तब भी ज़्यादा है, 23 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, सब ज़्यादा ही हैं, तो हम किसको मान लें। लेकिन कहा क्या जाता है, जनरली ऐसी कंडीशन में ये जो दोनों सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हैं, सिस्टोलिक कहा जाता है ये 140 mm HG हो जाता है, और ये जो होता है 80 होना चाहिए, ये 100 mm HG हो गया। तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि ऐसा क्यों, ये 120 है तो 140 क्यों बता रहे हैं, ये 80 है तो 100 क्यों कर रहे हैं, क्या 80 के तुरंत बाद 100 के पहले हाई नहीं है, हाई है। ऐसे ये 120 और 140 के बीच में भी नंबर है, और भी प्रेशर हो सकता है वो भी हाई है, लेकिन ये क्यों कहते हैं, तो उसका भी रीजन जान लीजिए। जनरली जैसे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है भाई, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, कहीं बुखार हो गया तो बुखार का मतलब कि वो तो थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो पता लग जाता है, ऐसे इसमें हल्का सा प्रॉब्लम होती है जो ह्यूमन नेचर है, खास करके हम इंडियंस तो और भी अवॉइड करते हैं, हो आ गया होगा, परेशानी हो गई होगी, धड़कन बढ़ गई होगी, कोई मतलब नहीं, तो जनरली प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अब यहाँ तक पहुँचता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। ये यहाँ पर पहुँच जाए और यहाँ पर, और जब जिस कंडीशन में डॉक्टर के यहाँ पहुँचते हैं तो पता लगता है कोई यही कंडीशन होती है, इसलिए कह देते हैं कि ये ज़्यादा है, और थोड़ा सा अप डाउन एज पर सिचुएशन, कभी कभी ये चेंज होता भी रहता है। चलिए ऐसे लो बीपी की जब बात आती है, जैसे हमने कहा कॉमन एक जानने के लिए, ये 120 है, आपने 20 जोड़ दिया, तो इसे नॉर्मल से 20 अप्रॉक्सीमेट कम करके लो कह सकते हैं। जैसे 120 होगा तो ये जो यहाँ पर सिस्टोलिक बीपी है, ये इसको 20 कम कर दीजिए तो ये हो गया 100 mm ऑफ HG। ऐसे
जब लो बीपी की बात करेंगे तो इसको भी 80 से कर दीजिए। लो बीपी में ये सॉरी डायस्टोलिक में, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लो बीपी की केस में इसको भी अगर कम कर देंगे तो ये लगभग हो गया 60 mm आप ECG। तो ये हाई और लो का फर्क हो गया। तो आपने जान लिया बीपी क्या है, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है और इसको मेजर किससे करते हैं। कभी कभी नाम पूछा जाता है। अब आता है द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या हैं, इन ब्लड वेसल्स में थोड़ा सा पहले हमने ऑलरेडी कह दिया है, चूंकि अभी सीक्वेंस में आया है तो थोड़ा सा एक रैपिडली और जल्दी से बता देते हैं कि ब्लड वेसल 3 टाइप की हैं। ये जिसको द ट्यूब कहा गया है, सर्कुलेशन से रिलेटेड ब्लड वेसल्स हैं ये 3 हैं, आर्टेरी, वेन एंड कैपिलरी। हल्का सा हमने चर्चा किया था लेकिन कुछ लोग जो नहीं अटेंड किए होंगे बाद में उनके लिए कह दे रहे हैं कि हाँ से है आर्टेरी और कैपिलरी। क्या आर्टेरी, जैसे हार्ट से जो ब्लड को ले जाती है उसे हम कहते हैं एओर्टा। एओर्टा से ब्लड निकला हार्ट से फिर जा करके ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, इसे कहते हैं आर्टेरी। ये एओर्टा फिर आर्टेरी, फिर आर्टेरी कई ब्रांच में डिवाइड हो जाती है जिसे कहते हैं आर्टेरियोल, और फिर आर्टेरियोल के बाद ये इसकी जो ब्रांच हो जाती हैं और पतली पतली, तो ये होती हैं आर्टेरियल कैपिलरी। ये कैपिलरी है। तो ब्लड आया एओर्टा में, एओर्टा से डिफरेंट आर्टेरी में, आर्टेरी से फिर ये पहुंच जाएगा आर्टेरियोल में, आर्टेरियोल से आर्टेरियल कैपिलरी में। और आता किससे है, आपने कहा है वेना केवा से। जो ब्लड यहाँ गया ये फिर रिटर्न होके आता है, रिटर्न होके आएगा सीधे हार्ट में। ये आपने हार्ट कह दिया, यहाँ से ब्लड जा रहा है तो यहाँ पर ब्लड आता कैसे है, तो आने के लिए आपने कहा था ये वेना केवा और पल्मोनरी वेन। वेना केवा, तो ये वेना केवा कैसे बनी है, वेना केवा कई वेन से बनी है, ये हो गई वेन। वेना केवा, वेना केवा कैसे बनी, बहुत से वेन के मिलने से और वेन वेन्यूल से, और इसकी ब्रांच को कहते हैं वेन्यूल, और वेन्यूल के ब्रांच को कहते हैं वेनल कैपिलरी, और ये वेनल कैपिलरी यही आपस में जुड़ी होती हैं। यानी आर्टरी से ब्लड जाता है और वेन से ब्लड आता है हार्ट में। आर्टरी से चला गया, वेन से रिटर्न आ गया, तो जिससे जाता उससे नहीं आता, आर्टरी से वेन में आएगा तो बीच में दोनों को कनेक्ट करने वाली क्या है, दोनों को कनेक्ट करने वाला है कैपिलरी। तो कैपिलरी सबसे पतली होती है, और आपको डिफरेंस मेनली जाना था आर्टरी में और वेन में, तो आर्टरी ब्लड ले जाती है, वेन लाती है। आर्टरी में जनरली प्योर या ऑक्सीजनेटेड रहता है पल्मोनरी को छोड़कर, और वेन में इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड रहता है पल्मोनरी वेन को छोड़कर। आर्टरी में वाल्व नहीं होते हैं, वेन में वाल्व होते हैं, और आर्टरी में ब्लड का फ्लो रुक रुक कर होता है, वेन में कंटिन्यूस सेम वेलोसिटी से होता रहता है। आर्टरी की दीवार मोटी होती है, वेन की दीवार पतली होती है। चलिए एक और बात, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट। अब ये ब्लड वेसल्स सपोज किन्हीं कारणों से, स्पेशली इंजरी से, चोट लगने से, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये ब्लड वेसल है, कोई फट जाए, इंजर्ड हो जाए, तो यहाँ से ब्लड का बहना शुरू हो जाता है। यहाँ फट गई, यहाँ से ब्लड निकलने लगा, तो ये ब्लड का निकलना ऑटोमेटिक कुछ समय के बाद रुक जाता है, अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो। यही है कि अगर कहीं इंजरी की वजह से ब्लड वेसल में लीकेज हो जाए तो इस लीकेज को रोका कैसे जाता है, इसका रीजन है इस ब्लड में पाई जाने वाली स्पेशल टाइप की सेल प्लेटलेट। तो प्लेटलेट क्या, वो मैकेनिज्म आपको नहीं जानना है, कई स्टेप्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शन है, उसके चलते चलते अल्टीमेट लास्ट में कंडीशन ये होती है, यहाँ पर फाइबर्स बन जाते हैं, एक नेट बन जाता है, और इसके होल इतने छोटे होते हैं कि इससे ब्लड सेल से भी नहीं निकल पाती है, निकलने का प्रयास करती है आके इसी में उलझ जाती है, ब्लड की ब्लीडिंग यानी रुक जाती है। तो ब्लीडिंग रुक जाती है तो ये जो इसका जो लीकेज था उसको ब्लॉक करने का काम किया प्लेटलेट ने, और एक जो प्रोसेस होती है इसी को कहते हैं ब्लड कागुलेशन। ब्लड कागुलेशन आर ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं इसे, ठीक भैया। ब्लड क्लॉटिंग, तो ब्लड क्लॉटिंग या कागुलेशन किसकी हेल्प से होता है, प्लेटलेट की हेल्प से। अब
ये लास्ट पार्ट जो बच गया था वो है लिम्फ। तो लिम्फ को जाने इसके पहले फिर से आप जरा ध्यान दीजिए, हमने बताया था ये सेल्स हैं, सेल्स के पास कोई ब्लड वेसल जो आती है, ये ब्लड वेसल जो भी सप्लाई करनी है सीधे ब्लड में नहीं देती है, वो ब्लड जहाँ पर सेल्स हैं वहाँ से होके गुजरती है। ये ब्लड हो गया डिफरेंट कैपिलरीज में आ गया टिश्यूज के पास, तो ब्लड से जो जो मटेरियल यहाँ से रिस करके आते हैं ब्लड कैपिलरी से, ये सेल्स के बीच में जो जगह है इसी में आ जाते हैं और उसी से एक्सचेंज करता है, इसे कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। ध्यान दीजिए भैया, टिश्यू फ्लूइड क्या है? जो सेल्स के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं, तो सेल्स में जो फ्लूइड है, सेल्स के बाहर जो जगह इसे कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस में जो फ्लूइड है उसे कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। और यही नहीं, ये टिश्यू फ्लूइड आया कहाँ से? कभी कभी कहते हैं सेल के बाहर है तो इसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, RECF, टिश्यू फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं कहाँ, जो सेल के बीच बीच में जगह है इसमें जो फ्लूइड है। अब ये आया कहाँ से है? तो इसी ब्लड से ये डिफ्यूज हो करके इसका फिल्टर्ड पार्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा आती हैं, वही जो ब्लड के प्लाज्मा है उससे यहाँ से फिल्टर्ड पार्ट आया है, बहुत सी सेल्स भी आती हैं, तो सेल्स आते हैं लेकिन RBC नहीं आती, तो इसमें WBC होता है। तो ब्लड जैसा ही कम्बिनेशन RBC को छोड़ करके आता है और ये बाद में स्पेशली हेल्प क्या करता है, जो ब्लड से नेसेसरी मटेरियल्स आ गए थे उनको फिर से ये लिम्फ के जरिए, लिम्फ वेसल्स होती हैं, वेन में भेज दिया जाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, फिर उसको रीयूटिलाइज कर दिया जाता है, जबकि मैक्सिमम ये जो सेल से वेस्ट मटेरियल निकाले जाते हैं उनको भी रिसीव करता है। अब बात यह आती है कि इसके रिसीविंग में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि इसमें से कुछ लार्ज साइज के भी पार्टिकल्स को, प्रोटीन्स को रिसीव कर ले जो डायरेक्ट ब्लड कैपिलरीज में रिसीव ना होते। तो ये जो फ्लूइड है इसी को हम कह रहे हैं लिम्फ भी। तो लिम्फ कहाँ से आया? ब्लड का फिल्टर्ड पार्ट है, ब्लड जैसा ही कॉन्स्टिट्यूएंट इसका होता है। ये अलग बात है, कुछ सेल से रिलीज्ड वेस्ट प्रोडक्ट जाते हैं और RBC नहीं होती है, तो कभी कभी कहा जाए ये भी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और डिफरेंस क्या है? ब्लड कलर्ड है, ये कलरलेस है। और दूसरे अगर हम WBC की बात करें तो WBC यहाँ पर पाया जाता है, ब्लड डिफरेंट हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट की तरफ जाता भी है, वहाँ से आता भी है, लेकिन मोस्टली क्या है, ड्रेनेज करता है सेल्स के पास से मटेरियल को रिसीव करके वेन में डाल देता है और वेन से हार्ट के जरिए फिर से इसका सर्कुलेशन होता रहता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम आर ट्रांसपोर्ट इन डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। थैंक्स।